इंदौर में साल के पहले दिन स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी सहित कुल 6 लोगों को हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। संस्था हिंदरक्षक संगठन द्वारा तुकुगंज पुलिस को पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी सहित अन्य लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। जिसके बाद आरोपी मुनव्वर और नलीन ने जिला कोर्ट के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें, इंदौर की 56 दुकान क्षेत्र में हुए एक शो के दौरान हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को फिलहाल जेल में रहना होगा। गुरुवार को हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया। फारूकी की जमानत अर्जी पर 25 जनवरी को बहस हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इधर फारूकी 27 दिनों से जेल में बंद है। अब तक देश भर के कई शहरों में उसके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने सहित कई धाराओं में प्रकरण दर्ज है। देवी देवताओं का अपमान करने वाले जेल में ही रहेंगे। हाईकोर्ट में मुनव्वर फारूकी की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा पैरवी कर रहे हैं। आपत्तिकर्ता अधिवक्ता रोमिल वर्मा ने बताया, न्यायाधीश रोहित आर्य द्वारा विशेष टिप्पणी भी की गई है, जिसमें कहा गया है कि देश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी माध्यम से किसी धर्म के देवी देवताओं का अशोभनीय बातें न करें। मुनव्वर फारूकी ने जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया था। आज कोर्ट का आदेश आया कि जमानत निरस्त कर दी गई है। हमने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, विवेक तनखा ने पैरवी की थी। न्यायालय ने मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल हाईकोर्ट द्वारा जमानत खारिज होने के बाद मुनव्वर और नलीन के पास अब सुप्रीम कोर्ट के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचा। तो सब बताया कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत खारिज, क्या है पूरा मामला? एक प्रकरण जिसमें मुनव्वर फारूकी और अन्य 4 आरोपी के विरुद्ध इंदौर में थाना कुकुगंज पे एक अपराध पंजीकृत किया गया था, धारा 295A, 269, 298, 188 और 34 IPC ने, जिसमें 1 जनवरी 2021 से मुनव्वर फारूकी और अन्य आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं। हमारे द्वारा पूर्व में माननीय सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद हाईकोर्ट में ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष हमने जमानत याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री विवेक तनखा और हम सभी ने मिलकर मुनव्वर फारूकी और अन्य आरोपीगण का पक्ष रखा था। माननीय न्यायालय द्वारा कल उसमें पहले हमारे आर्ग्यूमेंट्स सुनकर ऑर्डर रिजर्व करा गया था। आज ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें ऑर्डर किया, जिसमें उन्होंने जमानत अर्जी अस्वीकार करते हुए हमारे जो भी आरोपीगण ने उनको उनकी जमानत अर्जी अस्वीकार करी है। कितनी बार जमानत खारिज हुई इस? इसके पहले ये तो हाईकोर्ट में पहली बार जमानत अर्जी खारिज हुई है, और ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर पास करते हुए उसमें व्यू ये लिया है कि आरोपीगण द्वारा जो भी जिस तरह का उनके ऊपर आरोप है उससे संबंधित इनके द्वारा कृत्य किया गया है। सर क्या टिप्पणी, मतलब किस प्रकार की? हमने ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष ये ग्राउंड्स रखा था कि चूंकि मुनव्वर फारूकी द्वारा इंदौर के संबंध में जब प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, तो इंदौर में उसके द्वारा इस तरह का कोई परफॉर्मेंस ही नहीं किया गया जो जिसका उल्लेख FIR में है या जिसका उल्लेख कंप्लेनेंट द्वारा अपने आवेदन में दिया गया है। तो हमारा सबसे पहला ग्राउंड माननीय न्यायालय के समक्ष ये था कि जब उसके द्वारा इस तरह का कोई परफॉर्मेंस इंदौर में किया ही नहीं गया है, तो इस स्थिति में उसकी जमानत अर्जी स्वीकार की जानी चाहिए। और साथ में जो जिस तरह का एलिगेशन है, उस एलिगेशन के संबंध में भी पूर्व में जिस तरह के निर्णय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं कि यदि कोई व्यक्ति या कोई आरोपी किसी भी धर्म या किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में ऐसी कोई टिप्पणी करता है जो उसके द्वारा इंटेंशनली या डेलिबरेट इंटेंशन से की गई है, उसी स्थिति में सेक्शन 295A में अपराध पंजीकृत किया जा सकेगा। हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया था कि ये भी जितने भी लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, इनका इंटेंशन किसी प्रकार का किसी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। उन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो ऑर्गेनाइज किया, जिसमें वॉलेंटरीली लोग अपनी मर्जी से वहां पर उपस्थित थे। जो उस कार्यक्रम में जो भी कलाकार थे उनको सुनना चाहते थे। तो कहीं भी सेक्शन 295A का जो मेन इंग्रीडियंट्स है कि डेलिबरेट इंटेंशन होना चाहिए, ऐसा कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति नहीं थी, बट ऑनरेबल कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उन्होंने ऐसा माना है कि इसमें
जो भी प्रकरण के तथ्य हैं और जिस प्रकार के स्टेटमेंट कंप्लेनेंट साइड से हुए हैं उनको देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। आपका नाम? अंशुमन श्रीवास्तव। सर बताइए, मनोहर फारूक का याचिका खारिज है, जमानत खारिज है, क्या है पूरा मामला? मुजफ्फर फारूकी द्वारा माननीय न्यायमूर्ति फिर से करना।